24 फरवरी को शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की लगातार अपने पक्ष में समर्थक जुटाने में लगे हैं। रविवार को यूक्रेन के दौरे पर आए पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की। इस बीच रूस ने रविवार को पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में हमले तेज कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार रात क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान रवाना हुए। वे सोमवार सुबह टोक्यो पहुंचे। यहां भारतीय मूल के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी यहां मंगलवार शाम तक रुकेंगे। रोड रेज केस में पटियाला जेल में बंद नवजोत सिद्धू का डाइट चार्ट आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होगा। राजेंद्रा अस्पताल का मेडिकल बोर्ड कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। सिद्धू जेल की दाल रोटी नहीं खा रहे हैं। उनका तर्क है कि उन्हें गेहूं से एलर्जी है, इसलिए वह रोटी नहीं खा सकते। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 2000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 2022 लोगों की कोरोना वायरस पॉजिटिव आई है। वहीं 2099 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 46 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 52.77 करोड़ हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 63 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.76 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। इमरान के मुताबिक भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं झुकता। दुनिया में फ्यूल महंगा होता जा रहा है, इसके बावजूद भारत सरकार ने अपने नागरिकों को बहुत बड़ी राहत दी है। भारत क्वाड का मेंबर है और इसके बावजूद वो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में इस साल जनवरी अप्रैल के दौरान 69.79% की वृद्धि हुई है। इन चार महीनों में देश में कुल 3.57 करोड़ यात्रियों ने घरेलू उड़ानों में सफर किया है। अकेले अप्रैल महीने में 1.09 करोड़ लोगों ने सफर किया। पिछले साल अप्रैल महीने में 57.25 लाख लोगों ने हवाई सफर किया था। प्री मॉनसून का असर आज भी उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, बिहार, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि तथा यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने के अलर्ट जारी किए हैं। मोदी सरकार की एक्साइज ड्यूटी में कटौती और कुछ राज्यों द्वारा टैक्स में राहत की घोषणा के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों IOC, HPCL और BPCL ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। आज यानी सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए पर लीटर तो डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर, जबकि सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में 84.10 रुपए है। सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 133 पॉइंट की बढ़त के साथ 54,459 पर खुला, जबकि निफ्टी 24 अंक बढ़कर 16,290 पर खुला। आज सबसे ज्यादा गिरावट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस में है। ऑटो और PSU बैंक के शेयर में बढ़त है।